तो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, ठीक है? समझ रहे हो ना? तो जैसे हम लोग नोटिस किए कि हमारा जो डेटा मिलता है, हम लोग को मिलता है 2 GB, 3 GB, 1 GB डेटा, तो बहुत जल्दी हमारा डेटा ख़त्म हो जाता है, ठीक है? 2-4 वीडियो एच डी देख लेते तो हमारा डेटा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, ठीक है? तो ऐसे में इस वीडियो पे सेटिंग बताने वाला हूँ आप लोगों को कि हमारा 1 GB डेटा, 2 GB डेटा हमारा दिन भर कैसे चलेगा, ये हम दिन भर कैसे चला सकते हैं, ठीक है? मैं सेटिंग के बाद अगर आप लोगों को चैलेंज करते हो, अगर आप इस दिन भर अगर यूट्यूब देखते रहते हो, एच डी वीडियो देखते रहते हो, तो भी आपका डेटा 24 घंटा चलेगा, आपका ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है? तो मैं आप लोगों को मैं अपनी प्रूफ दिखाने वाला हूँ। देखिए, अभी लगभग 11:55 यानी 12 बज रहा है, लेकिन मैं अभी सुबह से मतलब लगभग ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखा हूँ, ऑनलाइन वीडियोस, या तो फिर व्हाट्सअप यूज़ कर रहा हूँ, फेसबुक यूज़ करता हूँ, एनी टाइम मैं ऑनलाइन रहता हूँ, ठीक है? तो बट फिर भी अभी तक मेरा, देखिए तो दोस्तों, ये मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा रहा हूँ। देखिए, हमारा जो हमको मिलता है दिन में 1.5 GB मिलता है डेटा, ठीक है? बट हमारा जो यहाँ सेटिंग करने के बाद देखिए 696 MB अभी तक मैं खर्चा किया हूँ, ठीक है? खर्चा हुआ है मेरा, ठीक है? तो दोस्तों, उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा सेटिंग में सबसे पहले, ठीक है? तो मैं सेटिंग में चल जाता हूँ। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ऊपर में लिखा हुआ है अबाउट फ़ोन, तो आपको सबसे पहले अपना फ़ोन को अपडेट कर लेना है, ठीक है? अपडेट करने के बाद ही जो क्या होता है कि हमारा फ़ोन काम करता है अच्छा से, ठीक है? तो दोस्तों, जब आप अपडेट कर लेते हो, अपडेट करने के बाद हम लोग को सबसे पहले आना है फिर ऐप्स पे, ठीक है? यहाँ पे देखिए ऐप्स लिखा हुआ है, पासवर्ड सिक्योरिटीज़, बैटरी परफॉर्मेंस, ऐप्स का यहाँ पे जो ऑप्शन दिखा हुआ है उस पर हमको क्लिक करना है, ठीक है? ऐप्स पे हम लोग को क्लिक करना है। ऐप्स पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ हमारा 5 ऑप्शन मिलता है, ठीक है? पहला मिलता है सिस्टम ऐप सेटिंग का आता है, मैनेज ऐप्स का मिलता है, ड्यूल ऐप्स का मिलता है, परमिशन का मिलता है, और ऐप लॉक का मिलता है, ठीक है? तो हम लोग को मैनेजर ऐप्स पे जाना है, ठीक है? मैनेजर ऐप्स पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए, हम लोग को जो हमारा फ़ोन पे जो रहता है, मतलब सॉफ्टवेयर ऐप रहता है बहुत सारा, जो हमारा यहाँ शो करेगा, ठीक है? सारा के सारा आपका यहाँ पे शो करेगा, ठीक है? तो शो करने के बाद यहाँ पे देखिए, मेरा अभी एक्टिव कितना है, 271 ऐप्स जो है मेरा काम कर रहा है अभी तक, ठीक है? मतलब हमारा जो डेटा मिलता है वो इतने सारे फाइल्स पे, मतलब इतने सारे फोल्डर पे, ऐप्स पे खर्चे हो रहे हैं, ठीक है? हमारा डेटा इन सारे ऐप्स को चला रहा है, ठीक है? तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ हम लोग को क्या करना है, ठीक है? सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे करना है, देखिए हमारा मतलब अगर अपडेट नहीं हुआ तो अपडेट कर लेना, अगर आप अपडेट नहीं करते तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे चलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, आप लोग को जो लगता है कि हमारा हैवी मतलब फाइल्स है, कंटेंट है, या ऐप है, हैवी ऐप है जो आपका मतलब ज़्यादा आपको लगता है कि हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह कुछ, ठीक है? इन सारी फाइल्स के, ऐप के मतलब डेटा यूजर्स जो बैकग्राउंड में होता है उसको आपको ऑफ कर देना है, ठीक है? ताकि मतलब आपको अगर उसको आप यूज़ नहीं करोगे, मतलब ओपन नहीं करोगे, तो आपका डेटा सिक्योर रहेगा, सेव रहेगा, ठीक है? खर्चा उसमें नहीं होगा, ठीक है? अगर ये वाला सेटिंग आप नहीं करोगे तो क्या है कि अगर आप उसको यूज़ भी नहीं करते हो, मतलब ओपन भी नहीं करते, तो भी आपका डेटा जो है उसमें खर्चा होता है, ठीक है? तो मैं सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैं कैमरा पे कर रहा हूँ, कैमरा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए उसको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन मिलता है स्टोरेज का, डाटा यूसेज का, और बैटरी का मिलता है, ठीक है? बैटरी हमारा देखिए यहाँ पे 9.4% इसमें खर्चा हुआ, यानी कैमरा पे। इसके बाद हमारा जो डाटा खर्चा हुआ उसमें 32.4 KB खर्चा हुआ, ठीक है? इसके बाद हम लोग को यहाँ देखिए बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, बट हम लोग को इस पर डाटा सिक्योर करने के लिए हम लोग को डाटा यूसेज पे क्लिक करना है। तो डाटा यूसेज पे क्लिक करने के बाद देखिए, हम लोग यहाँ पे फुल इंफॉर्मेशन यानी डिटेल्स मिलता है कि आपको कौन सा टाइम आप कितने खर्चे किए हों, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप नीचे आएंगे तो ये नीचे में देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड डेटा लिखा है, ठीक है? बैकग्राउंड डेटा को अगर आप बैकग्राउंड डेटा ये वाला ऑप्शन को अगर ऑफ कर देते हो तो फिर आपका डेटा जो है सिक्योर रहेगा, आपका ये वाले ऐप पे आपको मतलब आपका ये डेटा जो है खर्चा नहीं होगा, ठीक है? तो ये देखिए, हमारे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं करने के, ठीक है? ओके और कैंसिल करने के, तो हम पढ़ के सुना रहे हैं आप लोगों को। रेस्ट्रिक्टिंग बैकग्राउंड नेटवर्क एक्सेस फॉर दिस ऐप माइक मेक इट पॉसिबल फॉर द ऐप टू वर्क नॉर्मली, रिसीव मैसेज, डाउनलोड कॉन्टेंट एक्सेट्रा, रिस्ट्रिक्ट एनी वे, ठीक है? तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कैमरा को ऑन नहीं करती हो, या तो फिर व्हाट्सएप को, फेसबुक को ऑन नहीं करती हो, तो आपका जो मतलब इंफॉर्मेशन आते हैं उसमें फ्रेंड्स के कुछ हाल हालू कर रहे हो, तो वो वाला कंटेंट आपका नहीं दिखाएगा, ठीक है? आप जब व्हाट्सएप में जाओगे या तो फिर फेसबुक में जाओगे तभी आपका वो वाला जो वो फ्रेंड्स आपको जो भेजा है वो वाला आपका शो करेगा, ठीक है? तो ऐसे आपको सारे ऐप में कम से कम करने हैं। तो आप लोगों को मैं, अगर आप लोगों को यहाँ नहीं मिलता तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, ठीक है? तो मैं सर्च कर रहा हूँ,
फेसबुक, तो यहाँ देखिए फेसबुक आ गया मेरा। तो फेसबुक में देखिए आप यहाँ पे देखिए मेरा 7723 MB कुछ ऐसे भी स्टोरेज दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसके बाद आप क्लियर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो डाटा यूसेज मेरा देखिए यहाँ पे मैं कितना सारा खर्चा किया हूँ, ठीक है, 1.98 GB, ठीक है। तो इसको हम लोग को करना है, यहाँ पे देखिए मैं ऑलरेडी ऑफ़ करके रखा हूँ पहले से, देखिए ये बोला ऑफ़ कर दिया हूँ मैं सब पे सब, मतलब मैं सबके सब में ऑफ़ कर लिया हूँ ऐसे। तो आपको भी यही चीज़ करना है कि सब में आपको जाकर ऑफ़ कर देना है, ठीक है, बैकग्राउंड डाटा, ठीक है। तो मैं और आप लोगों को दिखा रहा हूँ व्हाट्सएप पे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी मेरा बैकग्राउंड ऑफ है, ठीक है, यहाँ भी बैकग्राउंड यूसेज मेरा ऑफ है। देखिए यहाँ पे देखिए नीचे में लिखा है बैकग्राउंड डेटा, ठीक है। तो आपको भी सारी की सारी जो आपको लगता है कि मेरा हैवी ऐप है, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, जो आप ज़्यादा चलाते हो, इंस्टाग्राम हो गया, तो आप चलाते हो उसको, यूज़ करते हो ज़्यादा दिन भर, तो फिर उसका बैकग्राउंड डेटा को आपको ऑफ़ कर देना है, ठीक है। तो ऑफ़ करने के बाद मैं चैलेंज करता हूँ आप लोगों को कि हमारा आपका डेटा जो है वो दिन भर चलेगा, 24 आवर्स आपका चलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रही हमारा सेटिंग, आपको सारी की सारी ऐप में आपको ये चीज़ अप्लाई करनी है, ठीक है। तो अप्लाई करने के बाद मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि आपका जो डेटा है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप सारे के सारे पे करने वाले हैं, अगर आप कर सकते हो, देखिए मैं तो वैसे लगभग कर चुका हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी सेटिंग, आपको अपने मोबाइल पे इसको अप्लाई करनी है। आपको अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे जैसे मतलब 1 GB डेटा को, 1.5 GB डेटा को आप 24 घंटा चलाए, तो आप ये चीज़ अपने मोबाइल पे कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलता है अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को फिर से कहना चाहूँगा कि अगर इस चैनल के ST टेक्निकल बिना यूट्यूब चैनल के अगर आप नए व्यूअर्स हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन को साथ में दबाना ना भूलें, ठीक है। अगर आप इस वीडियो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छी है, तो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, तो फिर शेयर भी कर देना यार, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलता है अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।